अपने वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह से चेंज कर सकते हैं आप। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जिसका नाम है तेरा भाई सिखाएगा ना, जो नहीं आएगा तुझे बताएगा ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि काइन मास्टर में आप अपने बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आ गए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर, तो आप काइन मास्टर ओपन कर लेंगे। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आप अपना जो फ्रेम है उसे चूज़ कर लेंगे। तो दोस्तों काइन मास्टर के वर्क प्लेस पर आ गए हम, तो हमें जो सबसे पहले बैकग्राउंड लेना है उसे चूज़ करेंगे। तो हम मीडिया में जाएंगे। हम मीडिया में जाने के बाद जहां आपका वीडियो रहेगा जो बैकग्राउंड आपको चूज़ करना है आप उसे चूज़ कर लीजिए। ये आपने बैकग्राउंड ले लिया। अब जो आपका वीडियो रहेगा जिसको आपको ग्रीन स्क्रीन जिसका हटाना है उसे लेयर से ओपन करेंगे, अपने वीडियो को चूज़ करेंगे। तो दोस्तों अपने वीडियो फुटेज को हम फुल स्क्रीन कर लेंगे। हम अपना वीडियो पे क्लिक करेंगे। क्रोमा की पे क्लिक करने के बाद आप ये इनेबल है उस पर क्लिक करेंगे जिससे आपका ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा। अब इसे थोड़ा सेटिंग करेंगे जिससे कि आपका जो पूरा स्क्रीन है वो परफेक्ट दिखे। शो मास्क पे जाएंगे हम। और आपके सेटअप होने के बाद इसे ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं कि पूरा ग्रीन स्क्रीन आपका हट चुका है और आपका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। इस तरह से आप ग्रीन स्क्रीन का उपयोग करके आप प्रोफेशनली वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और वीडियो लेते हैं। इसे फुल स्क्रीन करते हैं, वीडियो पे क्लिक करेंगे, क्रोमा की पे जाएंगे, इसे इनेबल करेंगे। शोमास पे क्लिक करेंगे और डिटेल देंगे। ये पूरा का पूरा वाइट होना चाहिए आपका। अगर वाइट होगा तो समझ लीजिए आपका पूरा जो सब्जेक्ट है पूरा डिटेल में दिखेगा। कोई भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। बेहद आसानी से आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।